अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड, मेरा नाम निशान है और आप देख रहे हैं नॉलेज अरीना। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A10 का और उसके साथ है Y6 Prime 2019। वेल गाइस, इन दोनों फोनों की पाकिस्तानी मार्केट में जो प्राइस है वो है 21,500 रुपीज। और हम इस कंपैरिजन में ये बात को क्लियर कर देंगे कि इस प्राइस कैटेगरी में इन दोनों में से कौन सा फोन है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करने वाला हूँ बिल्ड को, कैमरा को, परफॉर्मेंस को और उसके बाद एक छोटा सा स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी करेंगे। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है, बेल आइकन उसे लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A10 वर्सेस Y6 Prime 2019 का एक फुल रिव्यू। वेल गाइस, इस कंपैरिजन में हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोनों की बिल्ड की और डिजाइन की। तो गैलेक्सी A10 या Y6 Prime 2019, इन दोनों ही फोनों की जो बिल्ड बनाई गई है वो बैक है प्लास्टिक की और फ्रंट के ऊपर आपको कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन Y6 Prime 2019 का जो डिजाइन है बैक से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और ये जो बैक है ये है लेदर लुक की, तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A10। यहाँ पर जो बैक है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाई गई है, तो डिजाइन के मामले में यहां पर विन करेगा Y6 Prime 2019। वेल, अब हम बात करेंगे इन दोनों फोनों की डिस्प्ले की। तो यहां पर दोनों ही फोनों के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो बहुत छोटी सी नॉच वाला डिस्प्ले है। Y6 Prime 2019 में जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो है 6.1 इंच का 80+ रेजोल्यूशन वाला IPS पैनल है। और इसी के साथ गैलेक्सी A10 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी वी डिस्प्ले बनाया है सैमसंग ने, जो कि एक छोटी सी नॉच के साथ। यहां पर जो डिस्प्ले लगाया हुआ है 6.2 इंच का 80+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। लेकिन कलर्स की अगर मैं बात करूं, स्क्रीन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर गैलेक्सी A10 के जो कलर हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कलर हैं और उसी के कंपेयर्ड में Y6 Prime 2019 के जो कलर हैं वो बहुत ही ज्यादा फीके नजर आते हैं। तो यहां पर गैलेक्सी A10 विन करता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे प्रोसेसर का। गैलेक्सी A10 में जो प्रोसेसर लगाया गया है वो है सैमसंग का अपना Exynos 1.6 GHz एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर और यहां पर लगाई गई है 2GB की रैम। इसी तरीके से Y6 Prime 2019 के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो है MediaTek का 1.4 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर और यहां पर भी 2GB की रैम लगाई गई है। तो परफॉर्मेंस के मामले में जितना मैंने गैलेक्सी A10 को यूज किया है तो यहां पर गैलेक्सी A10 विन करता है और इस फोन की परफॉर्मेंस Y6 Prime 2019 की परफॉर्मेंस से ज्यादा बेटर है। वेल, इसके बाद मैं बात करूंगा कैमरास की। कैमरे के अंदर दोनों ही फोनों की बैक पर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें Y6 Prime 2019 का जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का उसका f/aperture 1.8 है और उसी के साथ गैलेक्सी A10 के अंदर जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का उसका f/aperture 1.9 है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी सैमसंग का गैलेक्सी A10 विन करता है और यहां पर आपको एक वाइड एंगल मोड भी देखने को मिलेगा, जिससे आप बहुत सारे लोग खड़े होकर बैक पर पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। और फ्रंट के ऊपर जो कैमरा दिए गए हैं तो वहां पर Y6 Prime 2019 का जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का और गैलेक्सी A10 का जो कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। लेकिन मैंने इन दोनों ही फोनों से जो पिक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो गैलेक्सी A10 यहां पर भी विन करता है Y6 Prime 2019 कैमरास के मामले में भी गैलेक्सी A10 से पीछे है। दोनों ही फोनों की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो Y6 Prime 2019 के अंदर जो बैटरी है वो है 3020 mAh की और यहां पर गैलेक्सी A10 के अंदर जो बैटरी है वो है 3400 mAh की। तो यहां पर भी जो बैटरी परफॉर्मेंस की बात है वहां पर भी गैलेक्सी A10 यहां पर विन करता है इस बैटल को। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन दोनों फोनों की Geekbench के स्कोर और उसी के साथ हम करेंगे एक छोटा सा स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वेल गाइस, अब हम करेंगे दोनों फोनों का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं दोनों फोनों के Geekbench के स्कोर और देखते हैं वहां पर क्या पोजीशन रहती है इन दोनों फोन की, जो कि मैं टेस्ट कर चुका हूं और मैं शेयर करता हूं आपके साथ इन दोनों फोनों के रिजल्ट। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो सैमसंग का गैलेक्सी A10 ने क्लियरली बीट किया है Y6 Prime 2019 को सिंगल कोर में भी और मल्टी कोर में भी और रिजल्ट हैं आपके सामने। इसी तरीके से अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं इन दोनों फोनों के एंटूटू Geekbench के स्कोर्स और देखते हैं वहां पर क्या पोजीशन रहती है। तो यहां पर भी सैमसंग का गैलेक्सी A10 रहा है आगे और Y6 Prime 2019 रहा है बैक पे यानी कि पीछे। तो यहां पर भी गैलेक्सी A10 ने विन किया इस बैटल को और दोनों ही टेस्ट में बीट किया है Y6 Prime 2019 को। तो अब मैं यहां से क्लियर कर देता हूं रीसेंट यानी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को।
तो अब कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। और अब मैं वन बाय वन इन एप्लीकेशन को करता हूँ यहाँ से ओपन, तो देखते हैं कि गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस रहती है इन दोनों फ़ोनों की स्पीड की। वेल गाइज, यहाँ पर गैलेक्सी A10 रहा आगे और Y6 Lan 2019 रहा दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं Temple Run 2 को। गाइज, यहाँ पर भी गैलेक्सी A10 ने क्लियरली बीट किया Y6 Lan 2019 को और इस एप्लीकेशन में भी गैलेक्सी A10 रहा है आगे और Y6 Lan 2019 रहा है पीछे। और अब मैं क्लिक करता हूँ सोनिक डैश पे। वेल गाइज, यहाँ पर भी विन किया गैलेक्सी का A10 और मल्टी कोर स्कोर में भी आगे था। तो यहाँ पर गेमिंग में भी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं वो पहले हो रही हैं गैलेक्सी A10 में। तो अब मेरे पास यहाँ पर है कुछ सोशल एप्लीकेशन, तो मैं क्लिक करता हूँ वन बाय वन इन पर। तो यहाँ पर है फेसबुक और यहाँ पर माइनर सा आगे रहा है कुछ ही सेकेंड के साथ Y6 Lan 2019। और अब मैं क्लिक करता हूँ ट्विटर पर और यहाँ पर ये एप्लीकेशन इन दोनों ही फोन में सेम टाइम पर ओपन हुई है। तो अब मैं क्लिक करता हूँ इंस्टाग्राम पे और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ये दोनों एप्लीकेशनें लोड की हैं दोनों फोन ने। और अब मैं क्लिक करता हूँ ज़िपिया पर। वेल गाइज, यहाँ पर आगे रहा Y6 Lan 2019 और ये तीन एप्लीकेशन है जो कि फोन की अपनी बेसिक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं डायलर पर। गाइज, यहाँ पर Y6 Lan 2019 रहा आगे और अब क्लिक करते हैं मैसेजेस पर और यहाँ पर आगे रहा गैलेक्सी A10 और अब हम क्लिक करते हैं कैमरा एप्लीकेशन पर। और गाइज, यहाँ पर भी आगे रहा गैलेक्सी A10। तो ये थी इन दोनों फोनों की स्पीड टेस्ट की परफॉर्मेंस, जहाँ पर जो क्लियरली विन किया है वो है गैलेक्सी। और Y6 Lan 2019 की जो परफॉर्मेंस थी वो इस स्पीड टेस्ट में थोड़ी बेटर थी, लेकिन क्लियरली गैलेक्सी का A10 रहा है आगे। वेल गाइज, ये था गैलेक्सी A10 वर्सेस Y6 Lan 2019 का एक फुल रिव्यू। और यार, लाइटिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है तो उसको इग्नोर कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला इन सारी चीजों को कवर करेंगे और आपके लिए बेटर क्वालिटी कॉन्टेंट में इंशाल्लाह लेकर आऊंगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं अपने ओपिनियन अब आपके साथ शेयर करता हूँ कि इन दोनों डिवाइसेज में मैं कौन सा फोन आपको रिकमेंड करूंगा। तो इन दोनों डिवाइसेज में से मैं आपको गैलेक्सी A10 रिकमेंड करूंगा। Y6 Lan 2019 एक स्टाइलिश फोन जरूर है, लेकिन लुकिंग यहाँ पर सारी चीजें नहीं होती। गैलेक्सी A10 का जो कैमरा है वो बेहतर है, प्रोसेसर जो है वो बेहतर है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो है वो बेहतर देखने को मिलेगा, कलर्स बहुत अच्छे हैं इस फोन के और बैटरी भी लगाई गई है बड़ी। वेल गाइज, यहाँ पर करेंगे इस वीडियो को एंड। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर लॉट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।